हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं भाइयों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यार आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि भाई यामा की FZ SV4 इंडियन मार्केट में कब तक आएगी, इसको लेकर वीडियो बनाओ। देखिए यार, मुझे समझ में नहीं आता कि एक यूट्यूबर भाई करे तो करे क्या, भाई उस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं जो अपकमिंग बाइक है, तो फिर आप लोग कमेंट करके गालियाँ देते हैं कि भाई यार वो तो लॉन्च नहीं हो रही, आपने फेक वीडियो बनाई, ऐसी आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं उस चीज़ को भी समझता हूँ, लेकिन यार देखिए अपडेट देना तो हमारा काम है ना मेरे भाई, अपडेट तो आप लोगों को देना पड़ेगा ना कि भाई कब तक आ सकती है, तो वो अपग्रेड भी तो हम अपडेट देने के लिए हम लोग यार वीडियो बनाते हैं। बाकी अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन यार अपडेट वाली वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी ना कि भाई कब तक आ सकती है, क्या अपडेट है, तो उसी के लेकर हम ये सब वीडियो बनाते हैं। तो चलिए फालतू की बात अलग करते हैं, बात करते हैं अपकमिंग यामा FZ V4 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पर आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। सो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अपकमिंग यामा FZ SV4 के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट यानी कि ब्राज़ील मार्केट में ऑलरेडी यामा की FZ SV4 को लॉन्च कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने कमेंट किया था, जिस कमेंट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो मेरे दिमाग में अभी था कि उसने कमेंट किया था कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, मतलब ब्राज़ील मार्केट में जो FZ आती है वो बहुत अलग है। भाई कि मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं अभी भी अपने बात पे अड़ा हुआ हूं कि मेरे भाई वहां पे जो फाइजर के नाम से आती है वो इंडियन मार्केट में FZ के नाम से आती है। चाहे तो आप रिसर्च कर लीजिए, और मैंने काफी रिसर्च किया, आप चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में कि ये नई वाली जो FZ है, मतलब जो फाइजर नाम से वहां पे आती है, इसे लॉन्च तो कर दिया गया है, और भाई सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। फिलहाल अभी इस बाइक को इंडियन मार्केट में नहीं लाया गया है, तो आज की इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते भैया इस बाइक के चेंजेस के बारे में कि इस बार यामा ने इस बाइक में क्या क्या चेंज किया है। दोस्तों इस बाइक में आपको सबसे पहला जो मेजर चेंज देखने को मिलेगा, जो कि हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे, वही आपको पता है क्या है, सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट। आपको पता है कि यामा ऑलमोस्ट अभी अपनी सभी बाइक्स में सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट में ज्यादा काम कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो लाइट्स है ना, इसके दो एडवांटेज होते हैं। एक तो इसका लुक काफी अच्छा आता है, प्लस भाई ऑब्वियसली बात है कि फोकसिंग क्वालिटी भी इसमें आपको काफी बेहतर देखने को मिलती है, इस वजह से भी जो है इसे काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यामा वालों ने इसमें फाइनली सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट ये लोग यूज कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रंट में आपको नए LED डियरर लाइट भी बाइक में देखने को मिलते हैं, जिससे बाइक का जो लुक है वो काफी अच्छा जो है वो निखर कर आ रहा है। मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं भैया इस बाइक के इंजन के बारे में, कि इंजन में कोई काम किया गया है नहीं किया गया है। देखिए यार आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पहले से आपको बोल रहा हूँ सॉरी, क्योंकि यामा वालों ने इसके इंजन में कोई भी चेंज नहीं किया है। देखिए अगर बात करें इसके मतलब पावर फिगर के बारे में, तो वो आपको बाइक में अभी भी सेम देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमें उम्मीद थी कि भाई यामा इसमें पावर बढ़ाएगा, बट यार ऐसा हुआ नहीं। इस बाइक में आपको आज भी वही पावर देखने को मिल रही है, और मेरे हिसाब से ये बाइक का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि मैं तो उम्मीद लगा के बैठा था कि यामा इसमें अपडेट करेगा। दोस्तों इंजन में वही पहले वाला 149cc का एयर कूल फोर स्ट्रोक 2 ओलो SOSC इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिलता है। मैक्सिमम पावर वही है 12.4 के आसपास की PS पावर, जो कि 7250 RPM पे पावर जनरेट करती है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में 13.3 के आसपास का निटमटिन टॉर्क है, जो कि 5500 RPM में पावर जनरेट करती है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इंजन में तो कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन अगर आप इसमें अच्छी तरीके से अपनी आंखों को गड़ा कर देखोगे तो आपको एक चीज फील होगा कि भैया इंजन का लुक तो चेंज हो गया। हाँ भाई मैं भी एग्री करता हूं, मैंने भी ये चीज नोटिस की। मुझे तो पहले लगा था कि भैया शायद इंजन का लुक हुआ है तो पावर भी बड़ा होगा, इंजन भी चेंज होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पावर इसमें सेम है, लेकिन इंजन का जो फ्रेम है वो चेंज कर दिया गया है, जिसमें यामा का ये कहना है कि बाइक का जो वेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है इंजन की फ्रेम चेंज करने से, और इंजन की जो स्मूथनेस है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से इसके इंजन को चेंज किया गया है। लेकिन अगर ऑफिशियली पावर फिगर के बारे में बात करें तो पावर फिगर में फिलहाल बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं है। बाइक वही नंबर ऑफ 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आती है। 57.3 mm की बोर है, 57.9 mm की स्ट्रोक है। कूलिंग सिस्टम में एयर कूलिंग इंजन है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको FI इंजन देखने को मिलता है, और नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच के साथ में आपको ये
बाइक देखने को मिली है। अब आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, ये बाइक का माइनस पॉइंट है या प्लस पॉइंट, क्योंकि भाई माइलेज तो अच्छा ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है पावर कम है तो ठीक है। बात कर लें दोस्तों इस बाइक के नए स्पीडोमीटर के बारे में, तो स्पीडोमीटर में भी कोई खास चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे आपको एक नया फीचर गियर इंडिकेटर ऐड कर दिया गया है जो कि पहले नहीं आता था। साथ में आपको जो फ्यूल इंडिकेटर है वो उसके साइड में देखने को मिल रहा है, बस यही इसके स्पीडोमीटर में चेंज किया गया। और कोई स्पीडोमीटर में कुछ खास चीज़ें नहीं लाई गई है पहले की तरह। फुली डिजिटल मीटर जिसमें आपको टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, एबीएस लाइट, फ्यूल गेज यही मिलता है। एक स्विचेस है जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। साथ में आपको बाइक में मोबाइल कनेक्टिविटी भी पहले की तरह देखने को मिलती है। दोस्तों सस्पेंशन में बात करें तो फ्रंट में बाइक में वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। फिलहाल सस्पेंशन में कोई यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट काम किया नहीं गया, वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं। ब्रेकिंग में आपको बाइक में सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और सस्पेंशन ब्रेकिंग प्लेट साइज भी वही है, 282/282 की प्लेट आ रही है। एंड फ्रंट में 180 के जो टायर साइज है वो आपको देखने को मिलते हैं। में आपको बाइक में 220 की प्लेट देखने को मिलती है। रियर टायर साइज अराउंड 140-160 के आसपास के जो टायर साइज है वो आपको बाइक में देखने को मिलते हैं। हालांकि जो इसके जो रियर सस्पेंशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया, इसमें थोड़े से प्रीमियम सस्पेंशन देने की कोशिश किया है, या माने थोड़े से सस्पेंशन बेटर है इसके एज कंपेयर टू ओल्ड एफजेड एस। उसके बाद दोस्तों यहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज मिसिंग कर दी, आपको बताना भूल गया कि इस बाइक का जो फेयरिंग है ना, फेयरिंग में थोड़ा सा इसे एरोडायनेमिक और हवा जाने के लिए जगह दी गई है, जिससे यामा का कहना है कि बाइक जो है विंड ब्लास्ट को काफी अच्छा झेल पाएगी और विंड ब्लास्ट अच्छी फेस करने की वजह से बाइक की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको थोड़ा सा 19-20 का फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन यार पावर फिगर के बारे में बात करें तो यहाँ पे पावर फिगर में बाइक में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किया गया, ना तो बाइक की पावर बढ़ाई गई है और ना तो बाइक में कोई नई चीज लाई गई है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या लगता है आप लोगों को, ये बाइक आएगी तो पॉपुलर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जो भी आपका भाई डिसीजन है, जो भी आपको लगता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो कि आप लोगों के लिए एकदम ज्यादा ओपन है। दोस्तों बात कर ले इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि भैया इंडियन मार्केट में कब आएगी, तो आपको बताना चाहूंगा ये बाइक फेब मंथ के महीने में, मतलब फेब 2023 में इंडियन में मतलब इंडिया में आ सकती है हमारे। और प्राइस के बारे में बात करें तो अभी वाली जो एफजेड है उसके कंपैरिजन में अराउंड 5000, जी हाँ 5000 रुपए के आसपास का जो बाइक का प्राइस है वो भी बढ़ा दिया जाएगा यामा की तरफ से। अब देखिए ऑब्वियसली बात है भाई, कोई कंपनी कुछ भी एक छोटी मोटी चीजें चेंज करती है तो भाई उनको तो बहाना मिल जाता है प्राइस बढ़ाने का। ऑलरेडी ये लोग प्राइस पे प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं और कंपनी में अगर बाइक में कोई चेंज हो तो भाई ये लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, ये बाइक आपको कैसी लगी। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपकमिंग वाली वीडियो और बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं ना बनाऊं तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए हम एज अ यूट्यूबर भाई हमें काम तो करना पड़ेगा, हमें वीडियो तो डालनी पड़ेगी यार, हमारी यही तो रोजी रोटी है, उसके अलावा हम फिलहाल कुछ करते नहीं है। क्योंकि यार आज की डेट में अगर आपको यूट्यूब करना है तो फिर आप दूसरा काम नहीं कर सकते, आपको यूट्यूब में पूरा टाइम देना पड़ेगा। बाकी जो भी आप लोग जो भी आप लोगों को लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।